ये है उमजाली, एक मादा चीता। अफ्रीका के सबसे अनोखे शिकारी जीवों में से एक। ये कुछ ढूंढ रही है, पर वो शिकार नहीं है। आज इसे किसी और चीज की तलाश है, एक सुरक्षित ठिकाने की। इसके पास एक बेहद कीमती चीज है, उमजाली 3 महीने से प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे अब पैदा होने वाले हैं। वो ऐसी जगह ढूंढ रही है जहां पेट भरने के लिए शिकार की कमी ना हो, लेकिन जहां शेरों और हाइनास का खतरा भी ना हो। उसे सही जगह ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि उमजाली एक खास जगह पर रहती है। ये है साउथ अफ्रीका का वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व, जहां सूखे घने जंगल और घास के मैदान दोनों होते हैं। साउथ अफ्रीका के लिम्पोपो प्रोविंस में मौजूद ये विशाल रिजर्व लगभग 6,500 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। ये एक सुरक्षित कुदरती इलाका है और यहां कई किस्म के जंगली जीव जंतु रहते हैं। अफ्रीका के सबसे शानदार जानवर यहां पर आजादी से रहते हैं, चाहे दिन हो या रात। अगले दिन की सुबह इस जंगली इलाके में कुछ नए जानवर दिखने लगे हैं। उमजाली ने आखिरकार अपने बच्चों को जन्म दे दिया है। तीन नर और एक मादा चीता। उमजाली यहां की उन गिनी चुनी मादाओं में से एक है जो कई बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने में कामयाब रही है। तो इसे आप कह सकते हैं सुपर मॉम। अब दुनिया भर के जंगलों में 5,000 से भी कम चीता बचे हैं, इसलिए इस प्रजाति का भविष्य ऐसी गिनी चुनी एक्सपीरियंस्ड माओं पर निर्भर करता है। उमजाली की सुरक्षा के लिए इसे जीपीएस कॉलर पहनाया गया है ताकि उस पर नजर रखी जा सके। इस बार के बच्चों में उसकी अकेली बेटी स्पेशल हो सकती है। हर नई मादा चीता कल को सुपर मॉम बन सकती है। इसका नाम है उसाना। उसाना और उसके नवजात भाइयों की आंखें बंद हैं, इसलिए वो कहीं जा नहीं सकते। तो जंगल में रहने में खतरा भी है। चीता के सिर्फ 1/3 बच्चे ही बड़ी उम्र तक पहुंच पाते हैं।
उसाना की जिंदगी भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। किस्मत से उसकी गुरु बेहद काबिल है। उसाना और उसके भाई हर तरह से उमजाली पर निर्भर हैं। ये उन्हें दूध पिलाएगी, हिफाजत करेगी और जीना भी सिखाएगी। ये सुपर मॉम अगले 16 महीनों तक उन्हें सब कुछ सिखाएगी। बच्चे पैदा करने के 3 दिन बाद ही उमजाली को एक जरूरी काम करना है। चार छोटे बच्चों की स्मेल वक्त के साथ और तेज हो जाती है। उनकी स्मेल शिकारी जीवों के लिए एक आकर्षक खुशबू है। इसीलिए उमजाली को उन्हें नए ठिकाने पर ले जाना होगा। कुछ ही मिनटों में इसे अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह मिल जाती है। ये घनी झाड़ी बच्चों को अच्छे से छिपा कर रखेगी। ये जगह उनके पुराने ठिकाने से सिर्फ 15 मीटर दूर है, लेकिन इसके बाद भी इतनी दूरी बच्चों की स्मेल कम करने के लिए काफी है। सबसे पहले ये उसाना को नए घर पर लेकर जा रही है। एक एक करके उमजाली सभी बच्चों को वहां ले जाती है। बच्चे पैदा करके ये अभी भी थोड़ी कमजोर है, लेकिन इस हिम्मत और लगन की वजह से ही ये एक सुपर मॉम बन पाई है। फिलहाल बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन इसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उमजाली के बच्चे सिर्फ अपनी मां का प्रोटीन से भरपूर दूध पीते हैं। उसाना और उसके भाइयों का पेट भरने लायक दूध बनाने के लिए उमजाली को दुगना खाना भी खाना होगा। उसे शिकार करना होगा। अब जब बच्चे नए ठिकाने पर सुरक्षित हैं, तो वो सवाना में निकल पड़ती है। उसका अपना इलाका 150 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। उसे वापस आने में कम से कम 2 दिन तक लग सकते हैं। और अगर उसे ढंग का शिकार मिल भी जाए, तब भी चीता शिकार करने में ज्यादा से ज्यादा 10 में से 4 बार कामयाब होते हैं। आज इसकी किस्मत अच्छी है। सुपर मॉम उमजाली को जिसकी तलाश थी वो मिल ही गया।
विल्डबीस्ट का झुंड। ये नोकीले सींगों वाले तगड़े जानवर हैं, तो अकेले एक बड़े विल्डबीस्ट से लड़ना खतरनाक हो सकता है। लेकिन इस झुंड में छोटे बच्चे भी हैं। इस शिकार के कान बहुत ही तेज होते हैं और इनके सूंघने की शक्ति भी बड़ी ही कमाल की होती है, इसलिए उम्जाली बहती हवा की उल्टी दिशा में बैठी है। कुछ ही सेकंड्स में वो 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। शिकार घबरा जाते हैं और हलचल में उम्जाली को कामयाबी मिल ही जाती है। यहां दूसरी तरफ उसाना और उसके भाई बहन उनके नए सुरक्षित घर में चुपचाप एक ही जगह पर बैठे हैं। इस छोटी सी उम्र में वो बहुत कमजोर हैं और इसीलिए मां जहां छोड़कर गई थी वहां से ये जरा भी नहीं हिलते, और ऐसा करना जरूरी भी है। लिम्पोपो में कई खतरे मौजूद हैं, बेहद विशाल जानवरों से लेकर शांत शिकारियों तक। ये जहरीला पफ एडर घात लगाकर शिकार करता है। और इसी काम के लिए ये सही जगह ढूंढ रहा है। तो जब तक ये हिलेंगे नहीं तब तक इन्हें अपने नए रेप्टाइल पड़ोसी से कोई भी खतरा नहीं होगा। लेकिन उसाना को बहुत भूख लग रही है। और वो अपनी मां को पुकारती है। किस्मत से उसका इंतजार खत्म होता है। अपनी भूख मिटाकर उम्जाली घर वापस आ गई है। शिकार करने की मेहनत के बाद अब ये बस आराम करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ उसाना दूध पीने के लिए अपने भाइयों से धक्का मुक्की कर रही है। एक महीने तक ये बच्चे सिर्फ दूध ही पिएंगे। सबसे पहले उसाना पेट भर लेती है और फिर घूमने फिरने लगती है। ये अभी से अपने दम पर कुछ करने की कोशिश कर रही है, साथ ही चीजों पर चढ़ना भी सीख रही है। अब हर रोज धीरे धीरे उसकी आंखें भी खुलती जा रही हैं।
लेकिन वो अभी पूरी तरह से नहीं खुलेंगी जब तक वो पूरे 10 दिन की नहीं हो जाती। अभी उसे हर चीज छू कर पहचाननी होगी। आज इनके घर से कुछ ही मीटर दूर से एक नया परिवार गुजर रहा है, हाथियों का झुंड। उम्जाली की तरह ही ये माँ भी अपनी बेटी को उसके पिता की मदद के बिना अकेली ही पाल रही है। लेकिन हाथियों की बात करें तो चीता के मुकाबले वो अपने बच्चों के साथ जिंदगी भर साथ रहते हैं। दूसरी तरफ उसाना और उम्जाली का साथ में रहने का वक्त पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा। छह हफ्ते बीत गए हैं और उसाना और उसके भाई साइज में लगभग दुगने हो गए हैं। उनकी मां उम्जाली फिर से शिकार करने के लिए गई है, लेकिन इस बार नन्ही उसाना एक जगह पर नहीं बैठ रही है। उसके भाई एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। वो उसाना जितने जाबाज नहीं है। उसके भाई बड़े होकर आपस में एक झुंड बनाकर हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन उसाना अपनी मां की तरह अकेली ही रहेगी। वो मादा है, इसलिए अपने दम पर रहना उसे पसंद आएगा। वो तो अभी से ही अकेले घूमने फिरने निकल जाती है। उसाना के भाई आपस में खेल खेल में लड़ने में बिजी हैं, लेकिन उसाना नई चुनौतियां ढूंढ रही है। तो इस सूखे पेड़ पर प्रैक्टिस करके वो ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना सीख रही है। लेकिन उसे अब ये मस्ती छोड़नी पड़ेगी क्योंकि उसकी माँ उसे बुला रही है। वो खाने के लिए देर से पहुंची है। उसके तीनों भाई आज पहली बार ताजा मीट का स्वाद चख रहे हैं। उसाना भी तुरंत खाना खाने लगती है। इन्हें जल्दी जल्दी खाना सीखना होगा। चीता सभी बिग कैट्स में सबसे छोटे होते हैं, इसलिए अक्सर ज्यादा बड़े ताकतवर जानवर। उनका शिकार छीन लेते हैं। इस शेर को उम्जाली के शिकार की बू आ गई है।
और ये अकेला नहीं है। दोनों भाई इनके करीब आ रहे हैं। चीता के बच्चों को सबसे ज्यादा शेर ही मारते हैं। उम्जाली इन दोनों से लड़ नहीं पाएगी। उसे अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए भागना होगा। जैसे ही मौका मिलता है वो अपने बच्चों को साथ लेकर भाग जाती है। उसाना और उसके भाई अब महफूज हैं। सुपर मॉम उम्जाली सही वक्त पर निकल आई। ये उसके शिकार की स्मेल की वजह से आए थे, लेकिन यहां आने का इनका एक और मकसद है। ये यहां अपना खुद का परिवार बसाना चाहते हैं। ये बिग कैट्स उसाना और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ये उनके बेहद करीब आ गए हैं। उम्जाली और उसके बच्चों को फिर से नई जगह ढूंढनी होगी। छह हफ्ते की उम्र में ही उसाना और उसके भाई बंजारों जैसी जिंदगी जीने लायक बन गए हैं। उसाना अपने पहले रोमांचक सफर पर निकली है। उम्जाली रास्ता दिखा रही है क्योंकि ये रात में सफर करेंगे। एक महीने बाद ये परिवार अपने पुराने ठिकाने से नॉर्थ की तरफ कुछ किलोमीटर दूर रहने लगा है और फिलहाल इन्हें शेरों से खतरा नहीं है। सुपर मॉम उम्जाली की वजह से उसाना और उसके तीनों भाई अब 10 हफ्ते के हो गए हैं। अब वो पहले से बड़े, तेज और ताकतवर हैं। और उसाना आसपास की दुनिया में और दिलचस्पी लेने लगी है। आज वो अपनी नाक का इस्तेमाल कर रही है। चीता की सूंघने की शक्ति जबरदस्त होती है। एक एडल्ट चीता शिकार को 7 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता है। उसाना कई महीनों बाद शिकार करने लायक होगी, लेकिन उसे एक दिलचस्प चीज मिल गई है। एक स्क्रब है। जरा संभल कर। ये हेयर उसके मुकाबले कुछ ज्यादा ही तेज है, लेकिन हमारी उसाना हार नहीं मानेगी और उसने दूसरा शिकार ढूंढ ही लिया। इस हॉर्नबिल ने उसे नहीं देखा। लेकिन उसाना के करीब पहुंचते ही
अचानक एक आवाज होने की वजह से ये पक्षी डर जाता है। ये उमजाली की आवाज है जो उसाना को वापस बुला रही है। उसाना 3 महीने की है और अपनी माँ के साथ उसका रिश्ता अभी भी बहुत मजबूत है। साफ सफाई से रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। ये परिवार यहां पर साथ में वक्त बिता रहा है। और सूरज के डूबते ही उसाना और उसकी माँ और उसके भाई आराम करने के लिए लेट जाते हैं। सुबह होने तक यहां पर चीजें काफी बदल जाती हैं। इलाके में घना कोहरा छा गया है। उमजाली बच्चों के साथ धुंध के बादलों से होकर कहीं पर जा रही है, पर कोई तो है जो लापता हो गया है। उसाना अपने परिवार से अलग हो गई है। वो अपनी मां को पुकार रही है, लेकिन उसकी मां और भाई बहुत दूर हैं। उसे संभल कर रहना होगा, क्योंकि अगर वो ज्यादा आवाज करेगी तो एक सोता हुआ दानव जाग सकता है। वो दोनों खूंखार शेर पास में ही आराम कर रहे हैं। ये बिग कैट्स आमतौर पर दिन भर में 10 किलोमीटर का सफर करते हैं और उनसे बचने के लिए उमजाली और उसके बच्चों को लगातार छिपते भागते रहना पड़ता है। उसाना की तेज पुकार सुनकर वो गहरी नींद से उठ जाते हैं। खुशकिस्मती से ये शेर अभी भी चीता के बच्चों का शिकार करने के बजाय दूसरे झुंड का पीछा करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन इनका मन बदल सकता है और उसाना अभी भी खोई हुई और अकेली है। उसे अपनी मां को ढूंढना होगा। उमजाली उसाना को ढूंढ रही है, लेकिन उसे और 3 बच्चों का ख्याल रखना है तो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। वो उसाना को आवाज लगाती है। इलाके में शेर हैं, इसलिए ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। उसाना पुकारती रहती है, आखिरकार उसकी मां उसकी आवाज सुन लेती है और उसे ढूंढ लेती है।
लेकिन अभी खुशी मनाने का वक्त नहीं है। वो शेर फिर से इनके करीब आ रहे हैं, इसलिए उम्जाली को फिर से इन्हें कहीं और ले जाना होगा। तीन दिन गुजर गए हैं और ये चीता परिवार अब उन शेरों से पूरे 10 किलोमीटर दूर निकल आया है। लेकिन इस इलाके में उन्हें दूसरे खतरों का सामना करना है। उम्जाली को किसी की बू आ रही है। उनका नया घर एक और चीता के इलाके की बाहरी सरहद के पास में है। ये उम्जाली की ही बेटी है जो अब बड़ी हो गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इनमें अब करीबी रिश्ता है। क्योंकि अब ये एक दूसरे के लिए कंपेटिटर्स हैं। खुशकिस्मती से उम्जाली की इस बेटी के अभी अपने खुद के बच्चे नहीं हैं, इसलिए वो एडजस्ट कर रही है। वो जंगल के इस इलाके में एक नर की तलाश में है और इसलिए अकेली ही घूम रही है। अगर उस आना बड़ी होने तक जिंदा रही तो कल जाकर इसी तरह अकेली घूमेगी। उम्जाली से सब कुछ सीखकर उसाना की यह सौतेली बहन अब बड़ी हो गई है और एक कामयाब शिकारी बन गई है। अपनी मां की ही तरह इसने भी सब्र, रफ्तार और घात लगाकर हमला करना सीख लिया है। अपनी मां की तरह ही ये शिकार करने में माहिर है, जो बहुत जरूरी है अगर उसे अपनी मां की तरह ही सुपर मॉम बनना है। और सही सीख मिलेगी तो उसाना भी अपनी मां की तरह ही बनेगी। उम्जाली अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है। हमेशा की तरह उसाना फिर से कहीं पर अकेली निकल चली है। वो अपने भाइयों के खेल कूद में शामिल नहीं होना चाहती। उसके भाई आपस में खेल खेल में लड़कर मजे कर रहे हैं। वो सिर्फ मजे नहीं कर रहे हैं, इस खेल कूद के जरिए ही ये बच्चे धीरे धीरे ज्यादा ताकतवर और फुर्तीले बन जाएंगे। लेकिन उस साना को ऊंचाई पर चढ़ना है। और अपनी मां के साथ खेलना है। उस साना लगभग 3 महीनों की हो गई है
इसने अपनी माँ की मदद से जिंदगी के उस पड़ाव को पार कर लिया है जब ये सबसे कमजोर थी। इसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उसाना अब तकरीबन एक साल और ही अपनी माँ के साथ रहेगी। उसने सीख लिया है कि किससे बचना है और कब भागना है। अब आने वाले वक्त में उसे अपने दम पर अपना ख्याल रखना सीखना होगा। तीन महीने गुजर गए हैं, लेकिन वाटरबर्ग में सब कुछ पहले जैसा ही है। शाकाहारी जीवों के विशाल झुंड मैदानों में रहते हैं। और स्कैवेंजर्स बचे कुचे मीट की तलाश में आसमान में चक्कर लगा रहे हैं। लंबी घास के बीच एक बदकिस्मत एंटलोप आज किसी का खाना बन गया है। एक चीता ने इसका शिकार किया है। ये उमजाली है। इसका जीपीएस कॉलर टूट गया है, लेकिन कमाल की बात है कि ये सुपर मॉम उसाना और उसके तीनों भाई अब भी एकदम सेहतमंद है। ये एक हैरतअंगेज बात है, क्योंकि 50% बच्चे 6 महीने की उम्र पार नहीं कर पाते हैं। उसाना और उसके भाई आज के शिकार से पेट भर रहे हैं। इस तरह ढेर सारा अच्छा खाना खाकर ही ये बड़े और ताकतवर बन पाएंगे। अब ये बच्चे माँ के साथ पहरा देने का काम बांट रहे हैं। वो शिकार पर पहरा देते हुए बारी बारी खा रहे हैं। सिर्फ शेर ही चीता का शिकार छीनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि कई छोटे बड़े जीव उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। ब्लैक बैक्ड जैकल्स का एक जोड़ा करीब आ रहा है। ये नर और मादा हर काम साथ मिलकर करते हैं, लेकिन उमजाली से उलट ये जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहकर शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं। ये मौका परस्त स्कैवेंजर्स चीता के एक तिहाई शिकार छीन लेते हैं, लेकिन ये खुद भी शिकारी हैं। एक अकेला जैकल एक एंटलोप को मार सकता है, अगर जैकल्स को उसाना और उसके भाई अकेले मिल गए तो वो इनके लिए आसान शिकार होंगे। फिलहाल वो बच्चों से 1-2 किलोमीटर दूर हैं, और बच्चे इस वक्त किसी और ही जगह पर जा रहे हैं। इन बच्चों को नहीं पता है कि मुसीबत इनका पीछा कर रही है, लेकिन ये अपनी मौज मस्ती में ही बिजी हैं। आज उसाना इनके साथ खेल रही है, और खेल खेल में कुछ कमाल की बातें सीख रही है, जिनसे शिकार और बचाव करने में मदद मिलेगी। इस तरह ये भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक साल बाद इनकी मां
इन्हें छोड़ देगी। फिर ये कुछ वक्त साथ मिलकर शिकार करेंगे। फिर उसाना उसके बाद अकेली रहने लगेगी। एक नई सुबह हो गई है। उम्ज़ाली कल रात काफी बिजी थी। आज उसाना और उसके भाइयों को ढेर सारा खाना मिलेगा। लेकिन उन्हें कोई देख रहा है। जैकल्स उनके करीब आ गए हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। ये जोड़ा टीम की तरह काम करके इस परिवार को घेर लेता है। एक उम्ज़ाली का ध्यान बटाता है, और दूसरी थोड़ा सा खाना लेकर भाग जाती है। लेकिन अभी भी इन जैकल्स का मन नहीं भरा है। उसाना हरकत में आ जाती है और आगे बढ़कर इन दोनों का सामना करती है। ये उसका पहला बड़ा इम्तिहान है। उम्ज़ाली सब कुछ बहुत ही ध्यान से देख रही है। वो हमला कर रही है। उसके बेटे शांत खड़े हैं, लेकिन उसाना अपनी मां की मदद कर रही है। जैकल्स तो बचकर भाग गए, लेकिन ये उसाना के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। वो बिल्कुल अपनी मां जैसी ही बहादुर और ताकतवर बन रही है। उसने दुश्मन का सामना करके अपनी चीज की हिफाजत की। उम्ज़ाली ने उसे बहुत अच्छे से सिखाया है। आने वाले महीनों में उम्ज़ाली उसाना और उसके भाइयों को और स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देकर जंगल में अपने दम पर रहने के काबिल बनाएगी। एक साल बाद जहां वाटरबर्ग में गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, आज तेज धूप के साथ टेम्परेचर बढ़ने लगा है और शाकाहारी जीव इस इलाके में आखिरी बचे पानी के साधनों के पास जा रहे हैं।
ये मादा चीता पिछले कुछ हफ्तों से लगातार विल्ड बीस्ट्स के एक झुंड का पीछा कर रही है, लेकिन ये उमजाली नहीं है, ये है हमारी नन्ही उसाना। ये अब लगभग एक एडल्ट बन गई है। सुपर मॉम उमजाली की वजह से उसाना और उसके तीनों भाई अभी भी जिंदा हैं और अब वो बड़े हो गए हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब उमजाली अपने बच्चों को छोड़कर जाएगी। ये सुपर मॉम अब एक नए नर की तलाश करेगी और यही कहानी फिर से दोबारा शुरू होगी। उसाना अपनी मां को जाते हुए देखती है। अब उसे और उसके भाइयों को अकेले ही चुनौतियों का सामना करना है। ना सिर्फ जिंदा रहना है बल्कि कामयाब शिकारी भी बनना है, जैसे उनकी मां ने उन्हें सिखाया था। पिछले 18 महीनों में उसाना में बेहद हैरतअंगेज और जबरदस्त बदलाव आए। वो एक कमजोर बच्ची थी जिसकी आंखें नहीं खुल रही थी, अब वो ताकतवर शिकारी बन गई है जो खाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर लड़ सकती है। जंगल में जानवरों को जल्दी बड़ा होना पड़ता है और उसे हमेशा समझदारी से काम लेना होगा, लेकिन उमजाली की मेहनत की वजह से उसाना इस चुनौती के लिए तैयार है। अब उसाना अपने खुद के बच्चे पैदा कर सकती है और अपनी शानदार प्रजाति की आबादी और बढ़ा सकती है। वो कुछ वक्त तक अपने भाइयों के साथ ही रहेगी, लेकिन फिर जल्द ही वो इस जंगल में अकेली अपने दम पर जीने लगेगी। जंगल में रहने वालों के लिए हर दिन नया इम्तिहान होता है, क्योंकि ये है किड्स ऑफ द वाइल्ड।